स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर देख रहे हैं इंडस्ट्रीज में, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक नेपोटिज्म की बात बस चुकी है, तो उन्हें क्या कहना चाहिए? मत छेड़ो पुत्री, मत छेड़ो मुझे। नेपोटिज्म के बारे में मैं बोल चुका हूँ बहुत, लेकिन मैं बता दूँ नेपोटिज्म नहीं कुछ करता। महानायक का लड़के आए, 6 फिल्में फ्लॉप के बाद भी काम मिला। एक आदमी आया जिसके पीछे कोई गॉड फादर नहीं है या फादर नहीं है, शायद वो 2 फिल्मों के बाद आउट हो जाएगा। मेरी अमित जी के लिए कहते हैं 7 फिल्में फ्लॉप होती, मेरी 4 फिल्में फ्लॉप। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी दर्द थे, राजेश की दर्द है। मैं 2 साल के लिए बुमनामी में रहा, पर मेरे पास 10 फिल्में डब्बों में पड़ी हुई थी और मैं कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गया। बोला जाओ पार्टियों में, मैंने कहा राजेश करना चाहते हैं, विनोद करना चाहते हैं, मैंने कहा मुकेश करना नहीं जाएगा, जिनको बुलाना है। सो मैंने फिर मेरी महाभारत आई और फिर किसी ने कहा कि सर कहाँ थे आप? तो मैंने कहा इधर ही था, आपको नजर नहीं आता। तो नेपोटिज्म कितना भी ट्राई करेगा आपको मिल जाएगा रोल, लेकिन बाद में आप हैं, आपका कैमरा है, आपका मैदान है, आप क्या बोलोगे उस पर आप चलोगे। अमित जी की फिल्म जब चली तो चली, उनका काम ने जिस दिन बोलना शुरू किया तो वो 7 फिल्में चली गई। जिस दिन से मेरा काम बोलना हुआ महाभारत में, मेरी 4 फिल्मों को लोग भूल गए। फिर मैंने सौदागर, सौगन, वक्त के सौगन, फिर पहलका किया। सो नेपोटिज्म है, मैं मना नहीं करूँगा। हमारे यहाँ पर गलत चीज़ आ गई है जो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करती थी। हमारे टाइम पे फैमिली बनके लोग रहते थे। तो इन स्टूडेंट्स को भी कहूँगा फिक्र मत करो नेपोटिज्म के, कोई किसी का मायबाप नहीं होता। अगर आप में पर्सनैलिटी है आपको बुलाया जाएगा, उनकी ज़रूरत होगी तो बुलाया जाएगा। वो इसलिए नहीं बुलाएगा कि आप उनके चाचे के लड़के हो या मामे के लड़के। तो फॉरगेट नेपोटिज्म। सर आपके जो कैरेक्टर था शक्तिमान ने इतने यंग जनरेशन को इंस्पायर्ड किया, क्या हम आपके स्टूडेंट्स में से भी नेक्स्ट शक्तिमान देख सकते हैं जो यंग जनरेशन को इंस्पायर कर सकते हो? जी आप भी शक्तिमान बन सकते हैं, ये भी शक्तिमान बन सकता है, ये भी शक्तिमान। हर आदमी के अंदर शक्ति का अपार खजाना होता है। हमारे यहाँ मूलाधार चक्र होता है, फिर स्वाधिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आध्या चक्र, सहस्त्रार चक्र। हम कभी भी चक्र को ऊपर नहीं लाते। हमारी जो प्राण शक्ति होती है नीचे जाती है। खाते हैं, पीते, करते हैं, होते, खाया पिया, सो गए। कोई आदमी सांस की वजह से ऊपर जब शक्ति यहाँ आती है ना, तो शक्तिमान बन जाता है। शक्तिमान बनना एक अपने अंदर एक मेंटली आध्यात्मिक वे से, शारीरिक वे से अपने को स्ट्रॉन्ग करना। तो शक्तिमान स्टूडेंट्स भी बनेगा तो मैं उनको कह चुका हूँ बॉडी इज टेम्पल, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो। जो बच्चा शरीर की पूजा, बस आप कैमरे के सामने सिर्फ आपकी बॉडी बोलने वाली है, जिस तरह गिटार में सिर्फ गिटार बोलता है। आपकी जिस दिन बॉडी ढल गई, कोई नहीं पूछा, कोई नहीं बुलाएगा आपको, यहाँ कोई किसी का मायबाप नहीं। आप जब तक अच्छे लगते हैं, गुड हैं आपके जब तक डिलीवरी। सो मेरे स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, मैं चाहूँगा कि वो लोग अपनी एक्टिंग के साथ साथ शरीर पर काम करें, क्योंकि उनका शरीर जब तक बोलेगा वो लोग चलेंगे। जिस दिन शरीर ने जवाब दे दिया उस दिन एक्टर नहीं चलता, क्योंकि एक्टर के पास और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यही आँख, नाक, कान, मुँह सीधे खड़े हैं। जिस दिन आप ऐसे हो गए तो आपको शायद काम कम मिलेगा जिस दिन। सो मैं तो कभी कभी कहता हूं कि एक्टर एक्टिंग की क्लासेस सीखकर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पति बनेगा, मैं ये बोलना चाहता हूं। अगर उसने न भी बड़ा एक्टर बना तो भी वो एक अच्छा पति बनेगा एक पत्नी के लिए, क्योंकि उसने अपने शरीर पे काम किया होगा। आप भले फ्लॉप एक्टर हो गए, नहीं मिला, लेकिन आपने ट्रेनिंग दो, बिकॉज आपको कैमरे के सामने रहने के लिए करना पड़ता है जो आप कभी नहीं करते जिंदगी में। थैंक यू।